साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद मोदी सरकार इस तरीके से बचाव में आ गई थी मानो अडानी ग्रुप पर निशाना साधने का मतलब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना हो गया हो। संसद से लेकर के गुलाम मीडिया ने भी नैरेटिव सेट किया कि अडानी ग्रुप पर सवाल उठाने का मतलब है देश की अस्मिता पर सवाल उठाना। बहरहाल जब सरकार को संसद में जवाब देना पड़ा तो उसने अडानी ग्रुप को लेकर के गलत जवाब दिया। अडानी ग्रुप पर कार्रवाई को लेकर के जब विपक्षी दलों ने संसद में सवाल किया तो संसद में मंत्री महोदय द्वारा गलत जवाब दिया गया। मतलब मोदी जी और उनके करीबी मित्र अडानी को बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब इसी मामले की सुनवाई हुई तो तथ्य निकल कर के सामने आया कि मोदी सरकार उस समय गलत बोल रही थी। अब दोनों को डिसीजन आपस में करना है कि उस समय मोदी सरकार गलत बोल रही थी या सुप्रीम कोर्ट में सेबी गलत बोल रही है। दरअसल 19 जुलाई 2021 को संसद में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार से सवाल किया कि इतना सब खुलासा होने के बावजूद सरकार खामोश क्यों बैठी है, वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है, सेबी क्या कर रही है। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा था कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अभी से नहीं 2016 से ही अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, वित्त राज्य मंत्री ने उस समय बताया था कि DRI यानी कि राज्य खुफिया निदेशालय भी अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों की जांच कर रहा है। मगर जब अडानी ग्रुप का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को नोटिस जारी किया तो 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेबी हलफनामा दायर करके बता रही है कि 2016 तो छोड़िए, अभी तक अडानी ग्रुप की सेबी द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। सेबी ग्रुप ने यह जरूर स्वीकार किया कि 2016 से 51 कंपनियां जिनके ऊपर वित्तीय लेनदेन और गड़बड़ियों के आरोप है उनकी जांच करवाई जा रही है, लेकिन अडानी ग्रुप की एक भी लिस्टेड कंपनी इन 51 में शामिल नहीं है। मतलब सेबी या तो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है या उस समय मोदी सरकार ने संसद में देश की सबसे बड़ी अदालत में झूठ बोला था। और झूठ बोलने का आलम यह देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में सेबी द्वारा दिए गए हलफनामे को लेकर मीडिया में रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसी झूठ को दिखाते हुए एक ट्वीट किया कि उस समय सरकार सही बोल रही थी या अभी सेबी सुप्रीम कोर्ट में सही बोल रही है। तो फिर से रिप्लाई करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि हम जो 2 साल पहले कह रहे थे वो फिर से उसी दावे पर कायम है कि हाँ अडानी ग्रुप की जांच चल रही है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में क्या सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से झूठ नहीं बोला जा रहा तो संसद में झूठ बोलने का मतलब है कि लोकतंत्र में बेहद खराब और गलत परंपरा को जन्म देना। संसद पूरे देश की अदालत मानी जाती है, पूरे देश से चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं तो यह माना जाता है कि संसद में जो कहा जा रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है वो देश की तरफ से सवाल है, और जो जवाब दिया जा रहा है वो देशवासियों को जवाब दिया जा रहा है। इसका मतलब संसद में झूठ बोला गया था मोदी जी और उनके प्रिय कारोबारी मित्र अडानी को बचाने के लिए, कि सरकार पर कोई सवाल ना उठे। उनके प्रिय ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बादशाह मोदी जी और अडानी के संबंधों को लेकर के कोई सवाल ना उठा सके, क्योंकि उस समय इस तरह की भी बात सोशल मीडिया में आ रही थी कि अडानी के बर्बाद होने का मतलब है मोदी जी की व्यक्तिगत क्षति, और मोदी जी की क्षति का मतलब है मोदी सरकार की क्षति, मतलब बीजेपी की क्षति। इसलिए पूरी बीजेपी पूरी मोदी सरकार अडानी को बचाने में लग गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस खुलासा होने के बाद अब बवाल तय है। विपक्ष का रुख देखना होगा कि कितने हमलावर तरीके से इस बात को लोगों के सामने लेकर के आ पाती है, क्योंकि इस मामले में मोदी सरकार घिरती हुई दिख रही है। मतलब कॉरपोरेट मीडिया के आका के ऊपर सवाल उठ रहा है तो कॉरपोरेट दलाल भांड मीडिया इस खबर को इस तरीके से नहीं दिखाएगी तो अब जिम्मेदारी विपक्ष की,
सोशल मीडिया की, पैरेलल मीडिया की, समानांतर मीडिया की और माउथ पब्लिसिटी की बनती है कि ये बात कितनी लोगों के बीच में पहुंचाई जाती है कि देखो किस तरीके से अपने कारोबारी मित्र को बचाने के लिए मोदी सरकार सदन के अंदर देशवासियों से झूठ बोल रही है। देशवासियों के सामने ये सच आना बेहद जरूरी है। देखते रहिए संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।